विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रविवार को शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ग्राम पंचायत घनाटी के अंतर्गत आने वाले पड़ेच गांव में लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर विधायक ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया। रविवार को शिमला के तहत ग्राम पंचायत घनाटी के अंतर्गत आने वाले गांव पड़ेच में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ग्रामवासियों ने मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों सहित विभिन्न महिला मंडलों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। विक्रमादित्य ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया। साथ ही विधायक निधि से लगभग 7 लाख रुपए समस्याओं के निदान के लिए दिए। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा पर जमकर निशाने साधे। यहाँ पे मैं लगातार इस इलाके में आता रहता हूँ और अभी आज फिर से हमने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है और जो अलग अलग पंचायतों की सड़कों के निर्माण के लिए हमने विधायक निधि से 7 लाख रुपए का योगदान दिया है और पूर्व में भी करीबन 8 लाख रुपए मैंने कोई आज से 2 साल पहले जो है वो दिए थे, उसका भी फीडबैक लिया है। और उसके अलावा कई ऐसे सड़कें हैं जो और पंचायतों से जुड़नी हैं, उसके लिए भी हम अपनी ओर से भी हम योगदान देंगे और डिपार्टमेंट से भी मैं उसको टेकअप करूंगा ताकि उसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करने का प्रयास हो सके। और इसके अलावा कई ऐसे यहाँ पे जो अस्पताल है मेन घनाहट्टी शहर में, उसमें अभी डॉक्टरों की कमी है और जो नया भवन है वो अभी तक उसका जो है कार्य शुरू नहीं हो पाया है। कई बारी हमने इस डिमांड को सरकार के समक्ष रखा है, उसको फिर से उठाने का प्रयास आने वाले समय में हम करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे ये भवन इतने बड़े बड़े बन चुके हैं उसका पूरा जो है वो कंट्रीब्यूशन इलाके के डेवलपमेंट में होना चाहिए। कहा है कि कई लोग जो है वो श्रेय लेने के लिए जो है डमरू बजाने के बजाकर जो है यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं, तो केवल जो है झूठा श्रेय लेने से विकास नहीं होता है, हमको उसके लिए कार्य करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं और जब वो कार्य पूरे होने लगते हैं तो उसका जो है इन्फॉर्मेशन उनके डिपार्टमेंट से लेकर लोगों के बीच में आकर उसका उद्घाटन करना या उसका जो है लोगों के बीच में आकर प्रोपोगेंडा करना, ये एक स्वच्छ परंपरा और स्वच्छ जो है राजनीति नहीं है। अभी पीछे फॉर एग्जांपल 3 जो है विधायक प्राथमिकता की सड़क थी जिनका कार्य पूर्व सरकार द्वारा शुरू हो चुका था, केवल और केवल जो है झूठी लोकप्रियता के लिए उन सड़कों का फिर से जो है वो जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया और कुछ वहाँ पे भाजपा के नेता जाके वहाँ पे जो है उनका वहाँ पे जाके पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे जाके जो है लोगों को झूठा प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है एक लोकतांत्रिक प्रणाली में ये शोभा नहीं देती है और इससे हमको बचना चाहिए। वहीं ग्राम पंचायत प्रधान प्रभा सहित सदस्यों ने भी सिटी चैनल के साथ अपने विचार साझा किए। हमारे जो स्थानीय विधायक श्री विक्रमादित्य जी, हमारे यहाँ पे विधायक जो यहाँ के हैं यहाँ पर आए, हमने इनके समक्ष आज नहीं, ये हमारी समस्याओं को पहले से लेकर परिचित थे और पहले भी जो हमने इनके समक्ष अपनी समस्या रखी थी उसका भी समय समय पर इन्होंने काफ़ी निदान किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती। जिस क्षेत्र की कोई भी समस्या है, वो चाहे सड़क से रिलेटेड है, चाहे वो अपने हमारे कोई भी कम्युनिटी से कोई भी समस्या जैसे महिला मंडल की है और दूसरी समस्या है, तो टीका साहब हमेशा जब भी हम इनके पास जाते हैं तो हमारी समस्या का हमेशा समाधान हुआ है। और आज भी जो हमारी यहाँ पर सड़क से संबंधित हमने यहाँ जो मेन समस्या थी लोगों की, उसके लिए भी टीका साहब ने आज हमें पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि अभी शायद इनके पास थोड़ी विधायक निधि कम होगी। अभी इन्होंने अभी स्टार्टिंग में उन समस्या उन सड़कों के लिए 1-1 लाख रुपए देने की इन्होंने बात कही है और आने वाले समय में टीका साहब ने कहा कि अगर इसमें अभी और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में इसमें और भी पैसा दिया जाएगा। आज हमारे ग्राम पंचायत घनाहट्टी में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे युवा विधायक
टीका विक्रमादित्य सिंह जी आए थे। इन्होंने जैसा कि अभी प्रधान जी ने आपको बताया कि बहुत सी समस्याएं हैं लोगों की, जो लोगों ने प्रधान जी के माध्यम से, सभी के माध्यम से जो है टीका साहब के सामने रखी, और विधायक जी ने उन समस्याओं का निपटारा करते हुए आज यहाँ पे 6.5 लाख रुपए की राशि जो है उन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पे देने का वादा किया है। और ग्राम पंचायत, हमारे ग्राम पंचायत घनाटी के ही एक मंगेच में जो महिला मंडल है उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि देने का भी आश्वासन टीका साहब हमारे को देके गए हैं। और सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर भी और पंचायत प्रधान के स्तर के माध्यम से भी जो है अपनी समस्याएं टीका साहब के सामने रखी, और उन्होंने बहुत ही हम सब, मतलब जैसा कि वो हमेशा ही करते हैं, हमेशा ही हम सभी की समस्याएं सुनते हैं और हम सभी की समस्याओं को आगे सरकार के समक्ष भी रखते हैं। विपक्ष में होने के बावजूद भी वो विधायक प्राथमिकता के आधार पर भी बहुत सी समस्याओं का निपटारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।